हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको i10 जो हुंडई का मॉडल है, इसके जो इंटीरियर फंक्शन है उसकी पूरी जानकारी दूंगा, जैसे लाइट का, एसी का, या जो स्टेयरिंग के आसपास जो फंक्शन होते हैं गियर के, इससे रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा कि ये कैसे यूज किए जाते हैं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको, ये हमारी i10 है, इसके अंदर के फंक्शंस दिखाते हैं। ये फंक्शंस हैं, सबसे पहले आप जो ये व्हील है, ये हमारा स्टेयरिंग है, इसमें देखिए ये अंदर जो लाइटें जल रही हैं, आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा ब्रेक लिखा हुआ है। ब्रेक का मतलब है, देखिए ये देखिए ब्रेक लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है ये हमारा हैंड ब्रेक, यहाँ पे हैंड ब्रेक होता है। इसको हटा देंगे, इसको हटा दिया, नीचे कर दिया, ये देखिए ये हमारा लाइट हट गया है, ये हैंड ब्रेक का है। ठीक है दोस्तों, ये राइट साइड में हमारी स्पीड वगैरह होती हैं, इसको हम चेक वगैरह भी कर सकते हैं इसको दबा के। हाँ, इसको ये हमारी ट्रिप वन होती है, जैसे हम, वो तो हमारी टोटल किलोमीटर थी, लेकिन हम कई बार पेट्रोल भरवाते हैं या किसी सफ़र पे जाते हैं कि कितने किलोमीटर चले या कितने, तो उसके लिए ट्रिप ए, ये ए है, और दोबारा दबाएंगे तो इसी को हम ट्रिप बी आ जाएगी। जैसे हम एक को रखना चाहते हैं, दूसरे को करना चाहते हैं, तो इसे थोड़ी देर दबाए रखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। थोड़ी देर दबाए रखें इसे, ये देखिए जीरो हो गई। तो अब हम इस जैसे किसी ट्रिप पे जाते हैं तो उसकी किलोमीटर कितनी दूर है या ये सारी जानकारी, या पेट्रोल में कितनी एवरेज निकाली, ये सारी निकल जाती है। ये हमारी लेफ्ट साइड में जहाँ ब्रेक लिखा आ रहा है, ये हमारी आरपीएम है। जब हम इसमें रेस देते हैं, एक बार गाड़ी स्टार्ट करें, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले पहले ये देख लें कि न्यूट्रल पे है या नहीं। अब जैसे रेस देंगे तो ये हमारी ऊपर जाएगी सुई, देखा, रेस दें, देखो ये दे रेस, ये देखिए ये जा रही है, ये हमारी रेस की है आरपीएम। बंद कर दें बस। उसके साथ में ये जो आपको एक और दिख रही है ईपीएस के लिखे हुए, ये हमारी जो रेस, वो किलोमीटर जब हम चलाते हैं तो कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, ये तो सबको पता है, वही है 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर, ऐसे है। ये राइट साइड में ये पेट्रोल का है, ये पेट्रोल का है, ये पेट्रोल बताएगा हमारे, और ये जो बाकी फंक्शंस हैं बैटरी के हैं, ये पाइप के हैं, ये गाड़ी बंद है इसलिए स्टार्ट करेंगे तो ये हट जाएंगे, सारी इससे रिलेटेड फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, अभी गाड़ी बंद है इसलिए मैं बंद में ही दिखा रहा हूँ। ये राइट साइड में एक ये देखेंगे आप, ये डंडा सा होता है, इसको हम राइट में सबसे पहले इसको एक बार ऊपर करेंगे तो ये तो हमारा बी, ये घुमाने का होता है, ये देखिए एक बार घुमाएंगे इसको तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हल्की लाइट जल जाती है हमारी। अब दोबारा हम एक बार और इसको हम देखिए घुमाएंगे इसी को दोबारा, तो ये हमारी पूरी लाइट जल जाएगी, ये देखिए ये हमारी अब ज़्यादा रोशनी है। एक बार कम करो इसको, ये देखिए ये कम है रोशनी, है आपको उसके शीशे में दिख रही होगी, देखिए यहाँ से दिख रही होगी लेकिन कम है। अब दोबारा करें, ये ज़्यादा के लिए है। ठीक है, अब इसको हम, ये तो हमारी गाड़ी स्टार्ट करेंगे उसी पे न्यूट्रल पे। अब इसको हम देखिए, ये हमारी जो रोशनी है पूरी पे, अब इसको हम जैसे आपने देखा होगा हाई बीम या लो बीम, एक बार नीचे करें इसको उधर की तरफ, ये देखिए अगर हम इसको नीचे कर देंगे, ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, लो बीम में आ जाएगी। और देखिए मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, अब नीचे की तरफ करिए, ये हाई बीम में चली जाएगी, ऊपर करिए, ये लो बीम में। जब हम हाईवे पे चलते हैं या तो हमें लो बीम पे ही चलानी चाहिए, क्योंकि इससे आगे वाले की गाड़ी जो लाइट उसके शीशे पे जाती है लाइट, और उसे चलाने में दिक्कत होती है। और दूसरा एक इसका वो होता है जिसे हम बीपर बोलते हैं, देखिए इसको हम ऐसे छोक करेंगे, ये वापस वहीं आ जाएगा, देखिए ऐसे करेंगे, ये लाइट देखिए अपनी, ये बीपर होता है, बिना हॉर्न के हमें अगले वाले को बताना हो कि मुझे पास करना है या कुछ ऐसी कोई चीज़ हो या किसी मोड़ पे दिखाना है कि मैं आ रहा हूँ, तो उसके लिए ये बीपर होता है नाइट में।
ये देखिए, और ये इसलिए भी होता है कि कई एरिया ऐसे होते हैं जिस पे हमें हॉर्न बजाना मना होता है, तो उस टाइम ये बीपर काम आता है, तो बंद कर दें। और अब ये दूसरी तरफ देखिए आप, ये हमारा वाइपर का होता है। इसको वाइपर को एक बार नीचे करिए, ये देखिए स्लो चल रहा है, एक बार और नीचे करिए, ये थोड़ा स्पीड में हो गया, ये मैं थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, एक बार और करिए। ये इसमें दो ही हैं, i10 इस वाले फंक्शन में दो ही हैं, एक बार ऊपर कर दीजिए, ये 0 हो गया, अभी है। लेकिन हमें कई बार ऐसा होता है कि एक बार रोक के फिर ये देखो ऊपर करेंगे, बस ये एक बार होके फिर नीचे हो जाएगा। एक बार दोबारा करें, ये एक बार ऐसे करके छोड़ दें, जैसे हल्की हल्की बूंदें गिर गई हों आपके शीशे पे और उसको हटाना हो, या आपने खुद ने पानी गिरा हो तो उसको हटाना हो, तो इसको ये ऐसे करके छोड़ दे, लगातार ना चलाना हो। एक बार और करके देखें, लगातार ना चलाना हो इसलिए। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और होती है कि हमें पानी, जैसे शीशा गंदा है तो पानी कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लीजिए, देखिए करिए, देखिए पानी आया, अब इसे वाइपर से साफ़ कर लीजिए, देखिए बस अब ये वाइपर से साफ़ हो गया। ये तो हमने इस व्हील के सारे फंक्शन, ये हॉर्न है, ये हॉर्न है, इसको थोड़ा सा दबाएंगे, दबाइए बस, तो ये हमारा हॉर्न था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक चीज़ और, ये सारे हमने फंक्शन बता दिए, ये गाड़ी के हैं। ये की में सबसे पहले होती है लॉक, देखिए ये हमारी लॉक हो जाएगी कार, एक बार करेंगे तो ये हमारी, सिर्फ जैसे जो हमारे ये हैं स्टीरियो लाइट वाइट, ये सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, और एक बार और कर देंगे तो हमारी गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट वो मोड में आ जाएगी। और वैसे स्टार्ट करनी हो तो इसे ऐसे हो जाए, थोड़ा सा घुमा के फिर छोड़ दें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये वाले फंक्शंस बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पैनल होता है हमारा, इसमें सबसे पहले ये है, ये हमारा देखिए शीशे में साइड जो मिरर होता है ये उसके लिए है। अगर हम इसे देखिए, यहाँ देखिए ये भी सेंट्रल में है, इसको राइट में कर देते हैं और इसको घुमाते हैं, तो हमारा देखिए इसको घुमाएंगे तो हमारे शीशे पे असर पड़ेगा। देखिए देखिए, अब हम इसे अपने हिसाब से, जो भी ड्राइवर बैठा है या अपने हिसाब से सेट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये राइट का मिरर हो रहा है जो ड्राइवर के आसपास है, जैसे इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये देखिए मैं इसे यहाँ से दबा रहा हूँ तो ये राइट में जा रहा है, तो ऐसे ही जिस हिसाब से आपको सेटिंग करनी है, और इसको हमें यहीं बैठे बैठे उधर वाली करनी हो लेफ्ट साइड की, तो देखिए इसको लेफ्ट में कर दें और वहाँ से फिर ऑटोमेटिकली देखें आपको दिख रहा होगा हो रही है, देखिए, और मैं यहाँ से कर रहा हूँ ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, जैसे भी करके आप कर सकते हैं, वरना इसको सेंट्रल में कर दें। अब उसके बाद एक चीज़ और होती है, ये जो फंक्शन है ये हमारा मिरर का है, सॉरी इसका, ये जो हमारे साइड विंडो होती है, ये जो ग्लास होते हैं इनका है ये। अगर हम देखिए, अब हम इसको ऊपर साइड वाले को जो हम हैं, देखिए ये मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये हर उसमें लगा है, देखिए ये हर गाड़ी, ये पीछे वाला गेट है इसमें लगा है, अगर वो दबा रखा है इसको, देखिए अगर हम इसको हटा देते हैं, ये अभी लॉक कर दिया था हमने, इसको हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया, तो ये हमारी ये जो पीछे वाले हैं या बाकी जो साइड के हैं ये देखिए फंक्शन करेंगे, देखिए ये फंक्शन कर रहे हैं, ऊपर करने से ऊपर हो गया, नीचे करने से नीचे हो गया। ठीक है, और उसी को अगर हम दबा देंगे, मतलब लॉक कर देंगे, ये देखिए लॉक कर दिया, तो अब ये फंक्शन जो बाकी जितनी भी विंडो हैं, देखिए कुछ काम नहीं कर रहा, ये लॉक हो जाएगा, ये सभी, सिर्फ जो ये मेन विंडो है ड्राइवर वाली उसको छोड़ के बाकी सबके लिए है। ठीक है दोस्तों, ये जो चार हैं ये पावर विंडो हैं, ये राइट वाले के लिए,
ये इसको हटाना पड़ेगा पहले, ये लेफ्ट वाले के लिए जो है, ये देखिए यहीं से बैठे बैठे कर सकते हैं, और ये दोनों पीछे वालों के लिए, जैसे ये वाला करता हूँ मैं, ये देखिए नीचे किया ऊपर किया, ये दोनों उस चीज़ के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है सारी चीज़ें। इसके बाद ये जो विंडो, ये जो चाबी का मैंने आपको बताया था, जब हम इस पे रखते हैं तो ये हमारे, ये देखिए ये हमारे फंक्शंस काम, ये हमारे फंक्शंस काम नहीं करते। देखिए ये फर्स्ट जो स्टेप होता है, सेकंड पे जाके ये हमारे जो विंडो वगैरह के फंक्शंस होते हैं ये काम करने लगते हैं। इसलिए ये दो चाबी में ये दो फंक्शन दे रखे होते हैं, फर्स्ट लॉक अनलॉक होता है, फिर सेकंड, और फिर हम उसे स्टार्ट, ये फर्स्ट ये सेकंड, फिर हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। ये हमारे एसी के ये हैं सब, ठीक है। एसी के ये पैनल होता है, ये मैं एक बार गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने से पहले ये देख लें कि न्यूट्रल पे है या नहीं, ये न्यूट्रल पे है। देखिए ये यहाँ ब्लू कलर में होएगा, या हाईएस्ट कूलिंग फेंकेगा, कम कूलिंग कम कूलिंग, ये इस हिसाब से आप इसे सेट कर लें, ठीक है दोस्तों। और जैसे सर्दियों में हमें हॉट चाहिए होता है, तो हाईएस्ट हॉट फेंकेगा इधर की तरफ कर लें, फिर कम 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 ये मिडल में मिक्सर फेंकेगा। तो ये अभी सर्द गर्मियों का मौसम है तो ठंड पे है, एसी स्टार्ट करने के लिए हमें ये बटन दबाना पड़ेगा, लेकिन इस बटन के साथ हमें ये स्पीड भी, क्योंकि ये 0 की स्पीड पे एसी क्या करेगा, 1 की स्पीड पे क्या, लाइट जल गई, अब हमारी ठंडी ठंडी हवा आने लग गई है इससे, थोड़ी सी आपने देखा होगा साउंड बढ़ गई होगी कार के इंजन की, क्योंकि एसी चलता है तो इंजन पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है दोस्तों। ये स्पीड है, ये ऑन ऑफ है, ये कूलिंग का है, ये स्पीड है, देखिए आवाज़ आ रही होगी, ये कूलिंग का है। एक पे करता हूँ ये, अब ये फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला होता है, ये जो इस टाइम है जो सबसे पहले था ये वाला, देखिए ये हमारे सिर्फ मुंह पे, ये जो है हमारी जहाँ से निकलेगी एसी की हवा, ये सिर्फ हमारे मुंह पे जो हमारे फ्रंट साइड है ऊपर का उस पर लगेगी, उससे अगला अगर हम फंक्शन करते हैं तो ये वाला, तो इस टाइम हमारे जो पैर्स हैं और जो हमारा मुंह ये वाले हैं ये दोनों काम करेंगे। फिर तीसरे पे अगर हम करते हैं तो जैसे साइन के हिसाब से तीसरे पे ये देखें, ये पैरों पे भी काम, ये सिर्फ पैरों पे काम करेगा, ये हमारे मुंह पे काम नहीं करेगा। चौथे पे ये हमारा देखिए पैरों पे काम करेगा, और ये हमारी यहाँ पे होते हैं जब हमें जैसे बारिश के मौसम में चला रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारी वो ओस सी जम जाती है, तो यहाँ पे वो होती है, ये देखिए छेद से, इन छेदों में से भी आएगी जो विंडो फ्रंट विंड, जो सामने का विंड ये होता है मिरर, इसके यहाँ पे, और जो ये लास्ट है लास्ट वाला, इसका मतलब ये है दोस्तों, ये जो ऑप्शन है देखिए ये आगे वाले के उस पर करेगी, मतलब ये वाला फंक्शन काम करेगा, यहाँ से हवा आएगी, लेकिन इस फंक्शन के साथ, इन फंक्शनों को मैं बताता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। ये फंक्शन काम करेगा, आगे वाली हवा आएगी, लेकिन इस वाले फंक्शन के साथ, जब हम इसको इधर कर देते हैं तो जो हमारी बाहर की हवा होती है उसको भी फिल्टर करता हुआ, हालांकि बाहर की हवा गंदगी वंदगी नहीं आती, लेकिन फिल्टर होकर हवा जो बाहर की होती है वो हमारे अंदर आती है, ठीक है दोस्तों। और लेकिन और इसी फंक्शन को हम इधर कर देते हैं तो हमारी जो हवा होती है ठंडी वो हमारी गाड़ी में ही रहती है दोस्तों, तो ज़्यादातर लोग बाग इसी पे रखते हैं, हालांकि जो रखनी चाहिए वो इस पे रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गाड़ी में सो वो भी जाते हैं तो इसकी वजह से हमारा दम घुटने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ गियर्स के बारे में। गियर्स जो आते हैं हमारे, ये देखिए अब मैं पहले क्लच दबाना पड़ता है, तीन होते हैं नीचे की तरफ, देखिए मैं आपको लाइट जलाता हूँ, ये तीन होते हैं, ये जो फर्स्ट होता है ये हमारा क्लच होता है, सेकंड ये हमारे ब्रेक होता है, और ये रेस होती है, एक्सीलेटर बोलते हैं रेस, ये रेस, ये ब्रेक और ये क्लच। जब भी हमें गियर ये डबल ये गियर चेंज करना होगा हमें,
ये देखिए क्लच दबाना पड़ेगा, ये हमारा फर्स्ट है। अभी मैंने क्लच दबा रखा है इसलिए गाड़ी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये फर्स्ट गियर है। सेकंड गियर इसी के साथ नीचे ले आओ, लेकिन लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। अब थर्ड के लिए बीच में ये ऊपर की तरफ करते हैं, ये थर्ड है। और फोर्थ के लिए नीचे की तरफ ये, और फिफ्थ थोड़ा सा ऊपर लेके राइट में करके फिफ्थ, ये फिफ्थ है। और बैक के लिए हमें थोड़ा इसी को नीचे ले आएंगे, लेकिन करिए ठीक है, ये हमारी बैक गियर है। ये देखिए बैक का निशान आ रहा है यहाँ पे कितने किलोमीटर है, लेकिन मैंने वो दबा रखा है क्लच इसलिए कुछ असर नहीं हो रहा। ये देखिए पीपी की आवाज़ आ रही है, तो इसे न्यूट्रल पे कर देते हैं। ये गियर की नॉलेज थी, ठीक है दोस्तों। यह मैंने लगभग, हाँ एक चीज़ और है, ये देखिए जब हम बैक गियर करते हैं, जब हम बैक गियर करते हैं तो ये देखिए यहाँ मैंने ये लगवा रखा है। इसमें ये आता है कि राइट साइड में आप कितने किलोमीटर कोई चीज़ है या राइट लेफ्ट साइड में। हमारे पीछे गेट है इसलिए ये जीरो दिखा रहा है, अगर थोड़ी सी भी पीछे की तो हमारी गाड़ी टकरा जाएगी। ये एक होता है, ये जब हम कहीं खड़े हों या चारों डिपर चलाने हों एक साथ। देखिए 1 2 ये भी चल रहा है, ये देखिए आगे से देखिए और पीछे की तरफ भी देख लीजिए, लाइट आएगी आपको दिख रही होगी। तो ये हमारे डिपर होते हैं कि हम गाड़ी खड़ी कर रखी है ओस हो या कहीं जब होती है तब के लिए होता है ये फंक्शन। ये हमारे जो ये वो बेल्ट होती है हमारी, इसको बांधने के लिए है। बेल्ट लगा सकते हैं ऐसे ही ड्राइवर के पास, ऐसे ही सब जगह होती है, बेल्ट लगा के आप सुरक्षित हो सकते हैं। दूसरी एक चीज़ और है, अब हम इस सीट को आगे पीछे करना। देखिए दोस्तों इसके नीचे ये होता है एक, इसको आप दबाएंगे तो सीट पीछे करें आगे करें, इसको करके हम आगे कर सकते हैं और इसी को दबा के पीछे कर सकते हैं और जहाँ सेट करनी है वहाँ छोड़ दें। ये देखिए आगे की और ये पीछे की छोड़ दें, ठीक है। और एक यहाँ होता है, ये होता है ये, इससे आप देखिए इसको दबाएंगे तो हम ये जो सीट है ये देखिए इसको दबाए रखें, जहाँ करनी है जैसे यहाँ रखनी है इसको छोड़ दें, ये यहाँ अटक गई। अब जैसे आगे करनी हो इसे फिर दबाएं और ये आगे हो जाएगी। सेम ऐसे ही मतलब ड्राइवर सीट पे एक का बता दिया तो सबका हो गया। यह हमारा चार्जिंग बटन के लिए या कोई स्मोक करता है उसके लिए या उन चीज़ों के लिए है। जैसे ये हमारा चार्जर है तो इसको लगा के हम, ये देखिए लाइट जल गई, तो चार्जर लगा के हम, तो ये अभी ढीला है थोड़ा तो इसलिए है, ये जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए जल गई है लाइट, तो ये हमारा स्टीरियो है, इससे हम जैसे भाई ये FM है, इसको इससे हम आगे पीछे करके हम किसी भी उस पर सेट कर सकते हैं। थोड़ी देर दबाए रखेंगे तो और छोड़ देंगे तो जहाँ पे रुकना है चैनल है वहीं रुकेगा। ये वॉल्यूम है, मेन बता देता हूँ। पेन ड्राइव के लिए अगर फिर अगला फंक्शन देखना है तो ये दबाइए, ये USB पेन ड्राइव चल जाएगी, उससे अगला दबाइए। ये ओक्स है जो लोग बाग आजकल ज़्यादा चलाते हैं, इसको आप, ऐसी ओक्स होती है जो दोनों तरफ से ऐसी होती है, ये वाली ओक्स होती है। ये देखिए इसका एक तार यहाँ जोड़ दें, एक तार आप मोबाइल में लगा लें ये वाला, और जौन सा भी गाना चलाएंगे वो इसमें चलेगा। ये सब है, ये आपके फोल्डर चेंज करने के लिए, ये सर्च करने के लिए, ये सारे इजीली फंक्शन है, कोई ऐसी बात नहीं है। और दोस्तों ये हमारा मिरर है जो पीछे का दिखाता है हमें, ये साइड के मिरर है, ठीक है दोस्तों। और तो बेल्ट पीछे भी होती है, ये हमारे लॉक होते हैं, इसको हम यहाँ जो ड्राइवर सीट से करेंगे तो सारे हो जाएंगे, और हम सिंगल सीट से करेंगे तो सिंगल का ही होगा। और ये हैंडल जो होता है ये खोलने के लिए, गेट खोलने बंद करने के लिए होता है नीचे वाला, ये जो नीचे का हैंडल है ये गेट खुल गया और ये बंद हो गया। तो इसके लिए एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चाइल्ड लॉक के बारे में।
गाड़ी बंद कर। एक ये फंक्शन होता है यहाँ पे, ये हर गाड़ी में होता है, लॉक। अब ये क्या है, अब ये अगर हम नीचे कर देंगे तो गाड़ी में लॉक लग जाएगा। देखिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये लॉक लग गया। अब मैं इसे खोलूँगा, ये हमारा फंक्शन काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने चाइल्ड लॉक लगा दी। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे पीछे बच्चे बैठे हों और आगे ड्राइवर चला, जो भी उसके मम्मी पापा चला रहे हों, तो वो उनकी सेफ्टी पूरी तरीके से रहे ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, वो गेट खोल के गिर ना जाए। इसलिए जब ये गेट बाहर से खोला जाएगा, देखिए बाहर से खोला जाएगा तभी गेट खुलेगा, या जैसे ड्राइवर आगे जो भी मम्मी पापा जो भी चला रहे हैं वो खोलेंगे जब ही खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। और इसी को अगर हम ऊपर कर देते हैं तो ये लॉक हट जाएगा। अब देखिए मैं खोलूँगा, ये बंद किया, अब खुल गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वो है फंक्शन। तो दोस्तों ये ज़रूरी ज़रूरी फंक्शन थे जो i10 के थे। अगर आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक दोस्तों एक फंक्शन और रह गया, ये देखिए एक ये फंक्शन है, तीन लाइट है। ये दोस्तों जब हम लो बीम पे गाड़ी रखते हैं, ये देखिए ये हमारी होती है, तो दूर तक जो लाइट जाती है ये इसलिए ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, ये इसलिए होता है कि इसको हम तीन पे करें, कितनी ऊंची करें कितना नीचे करें उसके लिए सेट। जो बीम होती है हमारी लाइट की, उसको ऊपर की तरफ सेट करना है, नीचे की तरफ सेट करना है, एक पे रखना है, दो पे, तीन, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये अभी अंदर पार्किंग में खड़ी है इसलिए इतना उस पर दिखेगा नहीं। एक ये मेरी गली में ये चीज़ हो रहा है, ये लॉक होता है गियर लॉक। इसको आप जैसे गियर पे लगा ली गाड़ी बैक साइड में, और इसको आप यूँ दबा दें, कहीं भी खड़ी कर दें। अब कोई भी अगर आपकी गाड़ी चुराता है या कुछ करता है तो वो कहीं नहीं लेके जा सकता क्योंकि गाड़ी पीछे की तरफ चलेगी। ठीक है दोस्तों, और स्टार्ट करते ही पीछे भागेगी। और ये हटाना कैसे पड़ेगा, गाड़ी के जो गाड़ी होती है ये चाबियाँ, इसी में दूसरी चाबी होती है, इसे खोल दें, हटा दें और ये कर लें, और फिर अपना न्यूट्रल पर लगाएं और चल पड़े। तो ये मेन मेन सारे फंक्शंस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं ज़रूर बताऊंगा उसका। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये यूजफुल जानकारी मिल सके। कोई गाड़ी खरीदने वाला हो i10 या खरीदने का विचार बना रहा हो तो वो इस वीडियो को देख के अपना जो भी उसको अच्छा लगे, वो जैसे फंक्शन के बारे में जानना चाहता है वो जान सकता है इसके बारे में दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी राय है या आप कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।